नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तिरंगा अभियान के तहत क्या युवा, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, हर कोई आजादी का जश्न में धूमधाम से मना रहा है। अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने 40 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मोदी जी ने गत 8 वर्षों में देश को एक नई दिशा दी है, एक नई दशा बनाने की कोशिश की है। उनके अटक प्रयासों से आज पूरे देश में जो राष्ट्रभक्ति देखने को मिलती है वो अपने आप में अनोखी है। और ये जो 15 अगस्त को करोड़ों घरों पर जब तिरंगा फहराएगा, पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा भारत की उभरती हुई ताकत का, भारत की एकजुटता का, भारत के एक संकल्प का कि आने वाले 25 वर्ष के अमृत काल में कैसे भारत एक विकसित देश बनेगा। मैं समझता हूं आने वाले 25 वर्ष पूरे विश्व के लिए एक चुनौती होगी, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत तैयार है। 75 वर्ष से जो अधिक के हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने तो आजादी की लड़ाई देखी है, वह संघर्ष देखा है, वह दृश्य देखा है। लेकिन जो 75 साल से कम आयु के हैं, या मान लीजिए जो 80 साल के भी होंगे, वह भी 5 साल के रहते हुए उतना स्मरण नहीं होगा लोगों को। लेकिन आज यह जो अमृत काल में जो आज़ादी का एक जश्न जैसा मनाने का अवसर देख रहे हैं, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष, चाहे वह हर घर तिरंगा लगाने को लेकर के हो, चाहे तिरंगा यात्रा को लेकर के हो, एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है और इसका आम जनमानस पर बहुत प्रभाव है। पूरे हिंदुस्तान के गांव गली गलियारे में भारत माता की जय जयकार हो रही है। तिरंगे के मान के लिए, सम्मान के लिए जो एक भाव जागृत होता दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में इस राष्ट्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी कोई ऐसा अवसर आता है कि वर्तमान इतिहास से कैसे जुड़े और अच्छे भविष्य का निर्माण कैसे करें, तो इतिहास को जान करके वर्तमान एक सुंदर भविष्य का निर्माण करे। भारत विश्वगुरु था, भारत विश्वगुरु बने। आज़ादी के अमृत काल में हमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम करने हैं जो पहले होने चाहिए थे, नहीं हो पाए। हर घर तिरंगा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में आह्वान करके कर दी थी, और जिस तरह से पूरे देश के नागरिकों ने माननीय प्रधानमंत्री की उस आह्वान को लिया है, और आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जो तिरंगा फहरा करके अपने आवास पर संदेश देने का काम किया है, वैसे तो अभियान लगातार चल रहा है। देश के नागरिकों में जिस तरह से तिरंगा को लेकर के उत्साह है, और आज मैंने भी टेलीविज़न पर देखा है कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया है,
और मैं भी आज एक दो कार्यक्रम है उसके बाद मैं अपने गृह जनपद पहुँचूँगा, मैं भी अपने आवास पर जाकर के तिरंगा फहराने का काम करूँगा। और माननीय अमित शाह जी के तिरंगा फहराने के पीछे मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने उसे अपने दिल से लिया होगा और अपने घरों पर तिरंगा फहराने का काम शुरू कर दिया होगा। हरियाणा में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। सीएम मनोहर लाल ने पहले ही सभी विभागों और सरकारी संस्थाओं को हर घर तिरंगा को एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाने के निर्देश दिए थे। आज हरियाणा में जगह जगह यह अभियान मनाया भी गया। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल से की। ज्ञानचंद गुप्ता ने 40 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और हॉस्टल परिसर के पार्क में पौधारोपण भी किया। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए गौरव का पल है, लाखों लोगों के त्याग और बलिदान से आज हम आजादी का ये दिन मना रहे हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर विभिन्न तरीकों से मनाया जा रहा है। कहीं पर पदयात्रा निकल रही है, कहीं पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं पर प्रभात फेरी निकल रही है। स्कूलों के अंदर उन बच्चों को ये बताने के लिए कि ये 75 साल की आज़ादी का सफ़र किस प्रकार से तय हुआ और ये जो हमें आज़ादी मिली थी ऐसे वीर क्रांतिकारियों के, लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान स्वरूप ये हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी, ये मैं समझता हूँ कि आज के नवयुवकों को, आज के बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, आज जो ये तिरंगा है, इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे लाखों वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, मदनलाल ढींगरा, शहीद उधम सिंह, लाखों ऐसे नौजवान जिनकी आयु 18 वर्ष से कई बार ज़्यादा भी नहीं थी, ऐसे लोगों ने भी अपना बलिदान देकर के ये आज हमें आज़ादी लेकर के दी है। सीएम मनोहर लाल ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कई बार अधिकारियों संग बैठकें की। हरियाणा में 3 दिनों के अंदर 60 लाख घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल सर्वदलीय बैठक भी कर चुके हैं। सभी सरकारी संस्थाओं को अभियान को सफल बनाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को जो निर्देश दिए हैं उसकी बात करें तो तीन रंगों में रंगा नजर आएगा हरियाणा। हर जिले में तिरंगे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से की अपील, हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लें लोग। अभियान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश। घरों पर तिरंगा फहराने के साथ वाहनों पर भी तिरंगा फहराने का प्रयास हो। अभियान को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए। अभियान में राष्ट्र सबसे पहले मंत्र के साथ अधिक से अधिक भागीदारी हो। राज्य के लोगों विशेषकर युवाओं से अभियान में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने का आह्वान। हर हरियाणवी को राष्ट्र पहले हमेशा पहले के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। अभियान देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को कड़ा संदेश देगा। राष्ट्रीय विचारधाराओं से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय पर्व में हिस्सा लें। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता भी इस राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठते हुए इस अभियान में हिस्सा लें। उपायुक्तों को अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सभी राजनीतिक दलों, जन प्रतिनिधियों, जिला परिषदों के साथ बैठकें करने के निर्देश। पूरे अभियान के दौरान तिरंगे का सम्मान सभी का परम कर्तव्य जाकर तिरंगा वितरण में स्थाएं हो शामिल। आम जनता में माहौल बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हमारा सौभाग्य है कि हमें आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद यह ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। यह वह समय है जो फिर कभी नहीं आएगा। हरियाणा में इस बार 22 जिलों के अलावा सभी सब डिवीजन लेवल पर भी कार्यक्रम होंगे। सरकार द्वारा इस बार कुल 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, इसलिए इस क्षण को पूरे हर्षोल्लास से मनाकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना प्रदर्शित करने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आज़ादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, हर घर तिरंगा, ये अपना अभियान रहेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। हर घर तिरंगा अभियान के मौके पर खादी ने पूरे हरियाणा में लगभग 5 से 6 लाख तिरंगे झंडे बनाकर बेच दिए, जबकि आने वाले 2 दिनों में और भी झंडे बिकने की उम्मीद है। हरियाणा में 130 संस्थाएं खादी की हैं, जो झंडा बना भी रही हैं और बेच भी रही हैं। लगभग 5 से 6 लाख झंडे अभी तक हरियाणा में बिक चुके हैं। हरियाणा में हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए और लोगों में देशभक्ति की भावना भरने के लिए पूरी तैयारी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो हरियाणा विधानसभा पूरी तरह डिजिटल हो गई है। जी हाँ, हरियाणा विधानसभा को 12 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन 8,53,00,000 रुपए खर्च करके ही ई विधानसभा तैयारी हो चुकी है। डिजिटल विधानसभा में अब विधायक टैबलेट पर ही रिसर्च कर रहे हैं और टैबलेट से देखकर ही सवाल जवाब कर रहे हैं। हाईटेक हुई हरियाणा विधानसभा में और क्या कुछ बदल गया है, देखिए ये खास रिपोर्ट पे। डिजिटाइजेशन की दिशा में बड़ी छलांग, डिजिटल हुई हरियाणा की विधानसभा। पेपर नहीं, ऐप से पढ़कर होगा सवाल जवाब। सदन में लगी विधायकों की डिजिटल पाठशाला। टेबल के सामने टैब और उसमें इंस्टॉल ऐप को समझते मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। हरियाणा विधानसभा हाईटेक हो गई है। अब यहाँ विधायक सवाल जवाब कागजों से पढ़कर नहीं बल्कि टैब से पढ़कर देंगे। हरियाणा के विधायक अब टैब में ही रिसर्च कर अपने सवाल और जवाब तैयार करेंगे। यहाँ दरअसल हरियाणा विधानसभा डिजिटल हो चुकी है। इसकी पहली तस्वीर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने के दौरान देखने को मिली। 3 दिवसीय यह सत्र पूरी तरह डिजिटल हो गया है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन में विधायकों के लिए डिजिटल पाठशाला लगाई गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। विधानसभा में जो टैबलेट लगाए गए हैं, इनमें नीवा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया है, जो खास तौर पर विधायकों के लिए ही बनाया गया है। आज असमी विधानसभा के इस अपने इतिहास में एक मील का पत्थर ऐसा ही लगने जा रहा है कि एक नई विधा, क्योंकि डिजिटल इंडिया, इसका एक आह्वान देश के प्रधानमंत्री ने किया। धीरे धीरे हम हर विभाग के कामों के लिए, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में इसका उपयोग कर रहे हैं, और चाहे बिजनेस हो, चाहे सामान्य समाज के कामकाज में उसका जीवन सरल करना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने उसमें एक पारंगता प्राप्त की है, ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत से नए पोर्टल हमने अपने शासन व्यवस्था में भी लागू किए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधायकों की पाठशाला लगाई गई।
इसमें बताया गया कि विधायक कैसे डिजिटल तरीके से विधानसभा की कार्रवाई में टैबलेट के जरिए अपने सवाल जवाब उठा सकते हैं और कैसे उन्हें जवाब मिलेंगे। प्रशिक्षण के दौरान विधायकों के तमाम सवालों और जिज्ञासाओं का जवाब दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के डिजिटल होने पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ऐप से सभी सदस्यों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। यह ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी, हालांकि इसमें सावधानी बरतनी भी जरूरी है। सदन के संवेदनशील मामलों की जानकारी बाहर लीक होने की जिम्मेदारी भी सदस्यों की होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें एक प्राइवेट पेज भी है जिस पर विधायक अपने क्षेत्र की जानकारी दे सकते हैं। सावधानी जरूर इसमें बरतनी चाहिए हमको, क्योंकि जितना इसमें जानकारी है, जो इसमें इंफॉर्मेशन है, वो विधायकों के लिए, माननीय सदस्यों के लिए है। इसकी कोई भी चीज बाहर ना जाए, कोई लीकेज होती है, तो ये विधानसभा के हमारे सदस्य उसमें जिम्मेवार होते हैं। हम अपने क्षेत्र के विकास के कामों में कितना हुआ, कितना बाकी है, क्या है, इसके अंदर एक शायद प्राइवेट पेज भी है, तो प्राइवेट पेज में हम अपने विधायक के साथ से अपने क्षेत्र की जानकारी भी इसमें रख सकते हैं, उसको कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उसको अपडेट कर सकते हैं। डिजिटाइजेशन होने के बाद हरियाणा विधानसभा में क्या कुछ बदल गया, अब उसे भी जान लीजिए। टैबलेट अब सभी 90 विधायकों की सीट पर लगे रहेंगे। इसमें लॉगिन करते ही विधायक की अटेंडेंस विधानसभा में दर्ज हो जाएगी। पुराना अटेंडेंस रजिस्टर कुछ समय तक रहेगा, बाद में अटेंडेंस टैब के माध्यम से ही लगेगी। अगर कोई सदस्य देरी से सदन में पहुंचता है तो वह सदन की पिछली कार्रवाई को देख सकेगा। विधायकों को पुरानी कार्रवाई देखने के लिए टैब में अलग से व्यवस्था की गई है। सभी प्रश्नों के उत्तर टैब में मौजूद रहेंगे। कोई भी सदस्य किसी भी प्रश्न का उत्तर देखना चाहता है तो एक क्लिक में वह उसके सामने होगा। अब कोई विधायक ये नहीं कह सकेगा कि उसे बोलने का कम समय मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल टाइम अपडेट सामने LED स्क्रीन पर आएगा। 95 इंच के 4 LED विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विधायकों की जो बैठने की टेबल है, उसमें हर जो एक टेबल उसके ऊपर दो दो जो है वो टैब रखे गए हैं, और इस टैब के जरिए ही जो जितने भी विधायक हैं वो अपना काम करेंगे। उनके क्वेश्चंस के जो जितने भी जवाब हैं और जितने भी मोशंस या कॉलिंग अटेंशन क्वेश्चन, वो सभी की इसी के अंदर उनको जो है वो जानकारी मिलेगी। जिस तरीके से अभी लिखा है कि इसमें अगर हम बात करें कि विधायक को अपना नाम करना है, तो सबसे पहले उसको अपना यूनिट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वह लोकसभा, राज्यसभा या जिस भी असेंबली का, वो सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसको अपना यूजर नेम डालना होगा, उसके बाद उसको पासवर्ड। लॉगिन करते ही जो हरियाणा विधानसभा है वो अपने आप में जो है वो खुल जाएगी। इसके अलावा अगर ई विधानसभा की बात करें, तो पूरे विधानसभा परिसर में जो है चारों तरफ चार बड़ी बड़ी जो है विधानसभा जो स्क्रीन है वो लगाई गई है, और इस स्क्रीन के ऊपर विधायकों की जो लाइव कार्रवाई है, जो भी विधायक सदन में अपना सवाल पूछ रहा होगा, जो भी मंत्री जो है उसका जवाब दे रहा होगा, उसका जो है सीधा प्रसारण जो है वो चारों दिशाओं में दिखा गया। तो ये अपने आप में जो है वो पहली बार जो वह किया गया। डिजिटल विधानसभा की शुरुआत करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नीवा एप्लीकेशन सिर्फ विधायकों के लिए बनाया गया है, इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। सभी विधायकों को पहले ही एक ही पासवर्ड दिया जा रहा है, लेकिन बाद में सभी अपना सीक्रेट पासवर्ड जरूर बदल लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस नीवा एप्लीकेशन को विधानसभा के कार्य से जोड़ा गया है, लेकिन भविष्य में इसके अंदर विधायकों के क्षेत्रों से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट की जाएगी। इससे विधायक जान सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं। कब क्या बोला वो पढ़ने की बजाय सीधा सीधा उनको देखने से सुनने से पता लग सकेगा, पूरा डाटा हमारे पास रहेगा, जब भी हम चाहें इस डाटा को अपने पास देख सकते हैं। ये ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड हो सकेगी, हम अपने घर पर इंटरनेट के माध्यम से भी अपने कंप्यूटर से इसका उपयोग कर सकेंगे। मोबाइल में जिनके पास एंड्रॉयड और iOS मोबाइल है, उन दोनों पर ये लागू हो सकेगा। इसमें खास करके इसका उपयोग करते समय अपना जो पासवर्ड है, क्योंकि ID तो कहीं भी पता लग सकती है, इसको पासवर्ड जो है हमारा अपने पास रहना चाहिए। अभी एक पासवर्ड कॉमन आपको दिया जा रहा है यहाँ, लेकिन बाद में इसको जितना जल्दी हो सके उसको परिवर्तन करके आप अपना सीक्रेट पासवर्ड उसको बना लें और वो अपने पास रखें। अगर किसी से उपयोग करवाना भी है, क्योंकि सब लोग शायद जैसा उड़ा जी कह रहे थे कि युग के हिसाब से इसका उपयोग आगे बढ़ेगा,
नई पीढ़ी इसको बहुत आसानी से वो कर पाएगी। हम सीखना चाहें तो किसी भी पीढ़ी के लोग सीख सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। फिर भी लिमिटेशन है तो हम किसी की सहायता लेंगे। विश्वसनीय जो व्यक्ति है उसी को अपना पासवर्ड आदि ये देना चाहिए। उधर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा ई विधानसभा बनने से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले सालों से उच्च तकनीक से संपन्न ई विधानसभा का सपना आज पूरा हुआ। हरियाणा ने प्राथमिकता के आधार पर विधानसभा को डिजिटल करने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन से सरकार को एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा का लाभ होगा। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस परियोजना से हरियाणा विधानसभा की सालाना जो बचत है, जब ये पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगी, एक अनुमान के अनुसार लगभग 5.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। विधानसभा के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण का इतिहास भी लिख रही है। इस परियोजना से जनता का प्रतिनिधियों से संपर्क सुगम और सहज हो सकेगा। जन प्रतिनिधियों की विधायी कामकाज में भूमिका भी प्रभावी बन सकेगी। आम नागरिक भी अपने काम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ई विधानसभा के कार्य को पूरा करने के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट मिला था, लेकिन कमेटी के सार्थक प्रयासों से इस कार्य को 8.53 करोड़ रुपए में ही पूरा कर लिया गया। बाकी 3.5 करोड़ रुपए के बजट को हरियाणा विधानसभा के 5 साल के रिकॉर्ड को डिजिटल करने पर खर्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। फिलहाल अपना हरियाणा में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।